हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश तो आज हम फिर से ग्रामर की एक और सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे साथ ही कुछ रूल्स को समझेंगे ठीक है तो इससे पहले भी मैं ग्रामर के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करा चुकी हूँ तो आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं ओके और आज का हम ग्रामर का ये सेशन शुरू करते हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आई होप मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही होगी तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन द पेशेंट वॉज डिस नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन सीट इसमें करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है तो ऑप्शन आपके पास एट इन फ्रॉम ऑन क्या आना चाहिए द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर in not finding the doctor from not finding the doctor on not finding the doctor what is the correct answer the patient was disappointed not finding the doctor सोचिए और आंसर कीजिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डिसअपॉइंट के साथ अक्सर हम क्या लगाते हैं प्रीपोजिशन एट ठीक है तो क्या हो जाएगा द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड एट किस चीज पर डिसअपॉइंटेड है तो एट नॉट फाइंडिंग वे फाइंडिंग डॉक्टर इन हिज सीट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन योर कंडक्ट स्मैच दैट रैकलेसनेस क्या आएगा यहां पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज होगा इन फ्रॉम विद ऑफ योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रैकलेसनेस सोचिए और आंसर कीजिए स्मैक्स के साथ अक्सर कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है यस स्मैक्स ऑफ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस ठीक है यहां जाएगा ऑफ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ गुड जज नेवर ग्रेप ग्रेप्स ये ग्रेप्स है जी आर ए पी ई एस ठीक है ये है तो नेवर ग्रेप्स डैश द कंक्लूजन देखिए इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट सीरीज में कराया था ठीक है लेकिन उसमें प्रपोजिशन अलग यूज़ हो रही थी और इसमें अलग यूज़ होगी ऑप्शन हैं आपके पास टू एट ऑन फोर क्या आएगा देखिए ग्रेफ्स के साथ क्या है चाहिए ग्राफ्स के साथ सोचिए और आंसर कीजिए यस yes. यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी फोर ग्रेफ्स फोर अ गुड जज नेवर ग्रुप्स फोर द कंक्लूजन ठीक है यहां पे आएगा फोर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही लाइक्ड माय सजेशन इसकी बॉयस चेंज करनी है ठीक है पहले हमें ये देखना होगा कि ये पैसिव बॉयस में है एक्टिव बॉयज़ में है फिर इसको पैसिव से एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव चेंज कर देंगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइकड माई सजेशन यहाँ पे कोई बी की फॉर्म तो है नहीं अगर बी की फॉर्म हो कोई भी एनी बी फॉर्म और प्लस वर्ब थर्ड हो तब हम उसे पैसिव वॉइस मानते हैं लेकिन ये अभी किस फॉर्म में है तो ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है ही लाइक्ड माई सजेशन ओके okay, अब हम इसे पैसि में चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए हम टेंस पहचान लेते हैं ये टेंस कौन सा है यहां पे देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो ये कौन सा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस को जब हम की, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं फिर वाज का प्लस वर्ब थर्ड ठीक है इसी से इसकी पहचान हो जाएगी देखिए इट वॉज वॉट ही लाइक्ड ये तो रॉन्ग है अगला देख लेते हैं ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड ये भी रॉन्ग है माई सजेशन वाज इट दैट ही लाइकड एंड ही लाइकड मी एंड सजेस्टेड क्या आना चाहिए यहां पे आंसर देखिए ही लाइकड माई सजेशन तो इसका मेरे ख्याल से जो होना चाहिए माय सजेशन वाज लाइकड इस तरीके से बनेगा या फिर ये भी हो सकता है जो ऑप्शन नंबर बी है ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट लेकिन इसमें आई वाज रहेगा व्हाट आई वाज सजेस्टेड ही वाज ठीक है नाउ नेक्स्ट ही है बींगल ही ड नॉट अपीयर फॉर दी एग्जामिनेशन इसका भी इसका हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है देखिए सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं अगर उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सिंपल सेंटेंस है सिंपल दूसरे कंपाउंड और तीसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा बींग इल ही फॉर दिनेशन ये अभी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में है और इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है कंपाउंड कैसे होते हैं जिसमें कैसी एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबॉर्डिनेट क्लोज होती है नहीं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं और जिसमें दो प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है तो हमें यहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लोजेस बना दी है

कैसे कि जब भी एंड से दो क्लॉजे जुड़ी हुई होती हैं तो उन दोनों क्लॉजेस को हम प्रिंसिपल क्लॉज का नेम देते हैं तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएंगी तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा ठीक है तो सेंटेंस हमारा यही करेक्ट है ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन नाउ मूविंग टू क्वेश्चन से देख लेते हैं द क्लाउन वॉज बीन लाव्ड एट बाय देम चेंज द वॉइस देखिए मैंने कहा था ना सबसे पहले आपको बॉयस पहचाननी है कि में में है है या फिर एक्टिव में है? तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये कौन सी है सोचिए किस में है सेंटेंस क्लाउन वॉज बीन लाफ एट बाई yes अगर मैंने बताया था जैसे कि अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब थर्ड आती है यहाँ पर बी की फॉर्म भी है प्लस वर्ब थर्ड है ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो कौन सी वॉइस होगी वो पैसिव वॉइस होगी यह भी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में है हमें इसे एक्टिव वॉइस में बचाना है तो एक्टिव वॉइस में रूल होता है एक देखिए इससे बीइंग से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कॉन्टीन्यूस का है ठीक है लेकिन कौन सा वाला है कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है तो हम इस वाज से पता करते हैं कि ये कौन सा कॉन्टीन्यूस होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है वाजबर वाजबर है ना वाजबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई तो देख लेते हैं यहां पे देखिए कहां पर आ रहा है वाजबर देखिए वर आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वर आ रहा है वो सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आ रही है और यहां भी वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी अब बाईद था होना था तो यहां तक तो दोनों सही चल रहे हैं बाकी दो को कट कर सकते हो आप ठीक है दे वर लाफिंग एट क्लाउन या देवर लाफिंग ऑन क्लाउन तो लाफिंग एट होता है ना कि ऑन होता है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसी तरीके से आपको पहचान करनी होती है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दे वर लाफिंग एट क्लाउन ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट कम्प्लीट सेंटेंस इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन देखना है डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एगनी आगे क्या आएगा ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगनी पीपल केम टू नो दैट ही वॉज एन नॉइड ही कुड सक्सीड इन इन गोइंग इट इजीली वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज क्वाइट हैप्पी कौन सा सेंटेंस इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो देखिए डिस्पाइट डेस्पाइट मतलब के बावजूद हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एगनी ऑप्शन नंबर बी पीपल केम टू नो दैट ही वॉज अनॉयड ठीक है दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें है प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क could be completed in the last week as it was a very busy day full of holidays a very hectic day and loaded with lots of work क्या होगा इसका right answer देखिए यहां भी sentence को complete ही करना है okay तो बताइए कैसे कंप्लीट होगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है तो क्या कह रहा है ये देखिए सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम फिल कर देंगे तो सेंटेंस है हमारा डिस्टर्मिनट हाँ प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क मतलब बहुत ही प्रैक्टिकली क्या है कि बहुत कम वर्क हो तो प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कम्प्लीटेड इन द लास्ट वीक लास्ट वीक में कंप्लीट हो सकता है एज इट वॉज अ वेरी बिजी डे अब देखिए बिजी डे होगा तो कैसे कम्प्लीट होगा ठीक है तो ये नहीं हो सकता फुल ऑफ हॉलीडेज तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वॉज फुल ऑफ हॉलीडेज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस यहां पर एरर फाइन करना है ठीक है देखिए ऑप्शन नंबर पार्ट ए में देखिए ऑरिजिनेट इन यूथोफिया इथोफिया कॉफी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट म टू यूरोप कहा पर इसमें एरर है देखिए यहां देखिए ऑरिजिनेटेड ऑप्शन पार्ट ए में देखना है ऑरिजिनेट ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए ऑरिजिनेटेड ऑरिजिनेटेड इन यूथोपिया कॉफी वॉज ड्रंक इन दरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू दूरोप बाकी सारे पार्ट यही है पार्ट ए में एर है यहाँ पे ऑरिजिनेटेड होगा ओके okay? एमस्टरडम इज अ टाउन हु इज समथिंग रेफर टू एज दिस ऑफ द नदर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स इट्स कैनाल कौन से पार्ट में एरर है फाइंड आउट दरर सोचिए और आंसर कीजिए देखिए यहाँ पे एक ही बार एक ही सेंटेंस में हु यहाँ भी देखें एमस्टर्डम इज अ टाउन हु इज तो ये कुछ सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे ठीक है तो पार्ट ए में एरर है हमारे ठीक नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन द सी वास रिलीज इज पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन थ्री मिनट्स फाइंड आउट the error. देखिए सी बा को पहचाने हम तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेजिल लगा हुआ है तो रिलेजिल सही है यहाँ पे, पार्ट ए सही है बी भी, भी सही है दैट लेकिन अगर यहाँ बात करें यहाँ भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही हमें वर्ब को यूज करना है तो किल की जगह क्या आना चाहिए था किल्स आना चाहिए था ठीक है सही होता द सी वॉज रिलीज इज पॉइजन दैट किल्स अ पर्सन इन थ्री मिनट्स तो कौन से पार्ट में एरर हुआ हमारे पार्ट सी में ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं कमेंट अप्रोच इज अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी सेवेंटी फाइव इंड वेयर इज द एरर ज दी अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी सेवेंटी फाइव ईयर देखिए इसका पार्ट ए देखा जाए तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है पार्ट सी में भी कोई एरर नहीं है ठीक है ए भी सही है सी में भी कोई एरर नहीं है विजिबल लिखा हुआ है और डी भी सही है एवरी सेवेंटी फाइव ईयर्स लेकिन अगर पार्ट बी की बात करें अर्थ क्लोज टू बी दिस इज दी रोंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी वुड लाइक डेज मोर हेल्प फ्रॉम यू तो यहाँ पे क्या आएगा मैनी मोर सम मोर फ्यू मोर या अर वी वुड लाइक मैनी मोर हेल्प वी वुड लाइक सम मोर हेल्प वी वुड लाइक फ्यू मोर हेल्प या वी वुड लाइक अ मोर हेल्प वॉट इज द करेक्ट आंसर यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सम वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू ओके नाउ मूविंग टू क्वेश्चन इसमें भी स्टार्टिंग फिलर है बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट बताइए क्या आएगा मोर बेटर सोल्यूशन दी बेटर सोल्यूशन आ बेटर सोल्यूशन या सच बेटर सोल्यूशन सोचिए और आंसर कीजिए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर आई होप मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है यस yes, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आ बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज हार्डली डैश रीजन टू डाउट हिज इंटीमे इंटेंशन ऑप्शन हैं सम मच एवरी एनी तो हार्डली के साथ क्या आता है देखिए हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है ध्यान रहे और नेगेटिव वर्ड हो तो नेगेटिव के साथ क्या लगाना चाहिए सम या फिर एनी एवरी और मच तो नहीं लगेगा आपको सम और एनी में से छांटना है तो पॉजिटिव के साथ क्या लगता है सम और नेगेटिव के साथ क्या लगता है एनी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एनी ऑप्शन नंबर डी

टू कैरी समथिंग आउट सोचिए और आंसर कीजिए कीजिएस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू डू समथिंग टू कैरी समथिंग आउट का मतलब क्या होता है टू डू समथिंग ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू डील इन समथिंग टू डील इन समथिंग का मींस क्या है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टिंग टू बी अबाउट समथिंग या टू हैंडल समथिंग देखिए टू डील इन समथिंग का हम बेसिकली दो तरीके से मीनिंग निकाल सकते हैं यहां पे मुझे दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता और नहीं टू टू डू टू बी अबाउट समथिंग होगा लेकिन टू ट्रेड इन समथिंग भी सही है इसका टू डील इन समथिंग और टू हैंडल समथिंग भी सही है तो इसके दो ऑप्शन राइट हैं ओके तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर उसे क्या बोलते हैं एक व्यक्ति सपोज एक सेम टाइम पे जीने वाला व्यक्ति मतलब सपोज करो जैसे आप हो आप जिस टाइमिंग में जी रहे हो उसी टाइमिंग में आपका फ्रेंड भी जी रहा है तो वो आपका क्या हुआ ऑप्शन हैं वो आर हुआ नॉस्ट्रम हुआ कंटेम्प्रेरी है या नो नन ऑफ दब क्या होगा इसका राइट आंसर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर तो उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी जैसे अक्सर आपने लिटरेचर में भी सुना होगा कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर कौन हैं या फिर वर्ड्स uh, वर्ड के कंटेम्प्रेरी राइटर कौन हैं इस तरीके से तो दो क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ओके इसे देख लेते हैं ओमनी पोटेंट ओमनी का मतलब क्या होता है वन वर्ड सब्सिट्यूशन से बताना है वन हु इज़ ऑल पावर वन हु इज़ इंटेलिजेंट वन हु इज loves काइंड वन हु believes इन the एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या होगा इसका राइट आंसर ऑमनी किसे कहते हैं देखिए ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र मतलब सब जगह मौजूद होना ठीक है तो और पोटेंट मतलब क्या होता है पोटेंट मतलब पावर या शक्ति ठीक है तो इसी से बन गया है हमारा वन हु इज ऑल पावर ठीक है इसकी जगह हैज भी हो सकता है वन हु हैज ऑल पावर दैट इज कॉल्ड ऑम ओके और वन हु लव्स मैन काइंड उसे क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोफिस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सिनोनिम बताना है वर्ड है आपके पास प्रीटेंटियस प्रीटेंटियस का सिनोनिम क्या होगा पेरेंटल हॉटी प्रीटेंडर नन ऑफ दी ऑफ सोचिए और आंसर कीजिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर प्रीटेंटियस देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रीटेंडर प्रिटेंडर मतलब नाटक करने वाला या प्रिटेंड करने वाला कहते हैं ना प्रिटेंड कर रहे हैं तो एक्ट करने वाला ठीक है तो होगा प्रिटेंडर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यस इसे बताना है इसका भी सुनो ही है आपको वर्ड है आपके पास रिकैल्सीट्रेंट रिकैल्सीट्रेंट का सिनोनिम बताना है क्या होता है फॉल्स स्टबन रियलिस्टिक नन ऑफ रिकैल्सीट्रेंट यस इट इज नन एज स्टन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चौबियल जॉबिल का सिनोनिम क्या होगा सोचिए और आंसर कीजिए ऑप्शन आपके पास जीनियल जोकिंग जॉइंट वट डज इट मीन चौबियल यस इट इज नन एज जीनियल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्रोग्रेसिव प्रीफ्रेंस सोचिए आंसर कीजिए देखिए अनबायस का एंटोनियम क्या हो सकता है इसका एंटोनियम है प्रेजुटाइज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनियम ऑफ द एडवांस ठीक है एंटोनियम बताना है एडवांस का एडवांस का एंटोनियम क्या होगा फॉलो समिट डिस्पर्स डेस्पर्स रिट्रीट सोचिए आंसर कीजिए वट इज ऑफ एडवांस फॉलो है सबमिट है डिस्पर्स है रिट्रीट है क्या हो सकता है यस yes. इसका करेक्ट आंसर है रिट्रीट ओके okay. ये इसका एंटोनिम है एडवांस का ओके okay. तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप डेली ग्रामर और लिटरेचर की प्रैक्टिस कर सकें ठीक है अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम का अंदाज़ा तो सभी लगा रहे हैं कि यू पी टी जो होंगे एग्ज़ाम वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं सॉरी तो अक्टूबर और नवंबर में हो सकते हैं लेकिन आपको तब तक प्रैक्टिस लगातार करनी होगी ओके okay? तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग